नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार की राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से एक है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 400 यानी सालाना 48 रुपये की पेंशन दी जानी है। दरअसल राज्य में विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उन्हें अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए दूसरे पर ना निर्भर रहना पड़े, इसके लिए यह योजना सरकार चलाती है ताकि पेंशन की मदद से वह अपने छोटे मोटे ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन पटना के कंकड़बाग वार्ड नंबर 34 की बस्ती में ऐसी कई विधवा महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बस्ती की पिंकी देवी के पति को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। उनके परिवार को सहारा देने वाला अब कोई भी नहीं है। उनके 3 बच्चे हैं। उनका भरण पोषण करने के लिए वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से आजीविका चला रही हैं। पर जो मीना देवी को राज्य सरकार की तरफ से विधवा पेंशन मिलना चाहिए था, वह भी उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। पिंकी देवी हुआ 3 साल लेकर पापा के अथी कैला मैंने गया हो डेट, तब पिल्सिन भी नहीं मिलता है और नहीं अच्छा से राशन मिलता। बड़ा बुरा तरह से जीवन कट रहा है और ना कोई है कमा के खिलाने वाला। काम करने जाते हैं तो पैसा काट लेता है। बड़कन आदमी कहता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तबीयत भी खराब हो जाता है, सर्दी खांसी भी हो जाता है, तो बुखार भी हो जाता है, तो जाते हैं तो पैसा काट लेता है। 7 महीना हो गया, ठीक चलता था, अब ठीक नहीं चल रहा है। अब बढ़िया से नहीं चल रहा है, पहले नियत जैसे नहीं था। समस्या तो एक दिन खाते हैं, एक दिन सुतले रहते, भूखले रहते हैं। अब कमाएंगे तभी ना खाएंगे। कहाँ 5,000 कमाइबे करते हैं, उतना में कौची होगा? क्या काम करते हो? वही झाड़ू पोछे बर्तन। हाँ, 5 महीना पहले किए हैं, अभी तक नहीं आया पैसा। बोला कि अगला महीना चल जाएगा, नहीं आया है। आगे तो ये पता करके आए थे। 7 महीना से बहुत दिक्कत में है। पहले दिक्कत नहीं होता था, पति रहता था। कट रहे हैं इसी झोपड़ी में, झाड़ू पोछा करके कट रहे हैं कि जिंदगी क्या करेंगे। कर्जा गुला हम ज्यादा लिए हैं। कर्जा वाला तो आता है दुआरी पर हल्ला गुला करता है, क्या करेंगे। हाँ, 1 साल गए थे ब्लॉक में, 1 साल हो गया था। ब्लॉक में बोला कि वो जातीय आवासी खोजने लगा था। हम वो एक आदमी हमसे पैसा लिया 700 रुपया, बोला कि जातीय आवासी बना देंगे। तो वो 1 हफ्ता के बाद लिया के कागज़ दिया ना, तो ब्लॉक में गए तो ब्लॉक में बोला कि ये तो जाली कागज है, अभी हम आपको पुलिस को बोला के जेल भेज देंगे। वहाँ ले अपना बेटी दामाद के लेके हाली ब्लॉक पर से भाग आए। अप्लाई तो गए थे करने सब चीज कागज पत्र लेके, लेकिन वहाँ बोला कि हम पुलिस बोला के तीनों के धरवा देंगे। ऐसा कौन बोला? उसी में के जहाँ वो कागज पत्र जमा होता है, वो बोला कि जाली कागज है, जातीय आवासी आपको चाहिए, जातीय आवासी जाली है। हम कहानी सर, हम लोग तो दाई चौका का काम करते हैं, पति डेट हो गया, बेटा डेट हो गया, कहाँ से जाएंगे हम खोजने जातीय आवासी करने। उसके बाद बोला कि रुको, तुमको तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, जेल भिजवाते हैं। वहाँ से हले हली कागज पत्र लेके अपन दामाद के बेटी के लेके चले हैं। 1 साल ले हो गया, मतलब वहाँ ब्लॉक पर गया। 1 महीना तीसरा, 1 साल तीसरा महीना ही जा रहा है हमको पति के डेट बैला। अप्लाई किए थे तो वार्ड पार्षद बोला ना कि हमको कोई मतलब नहीं है, तो हियाँ जाओ तो हुआ जाओ, तो पढ़ा लिखा है ये नहीं है तो कहाँ जाएंगे अनजान जगह पे। ओकरो लगी पैसा चाहिए, तो पैसा रहेगा तो ना इधर उधर जाएंगे, खर्चा करेंगे। कोई मदद किया आपसे? कोई मदद नहीं करने वाला, आ नहीं आज तक ला कोई किया है मदद। सुबह में बनाते हैं तो शाम में नहीं बनाते हैं, शाम में बनाते हैं तो सुबह में नहीं बनाते हैं। यही कभी ने से काम करके आए हैं तो इसी बासी मुँह है, चूल्हा पर खाना बनाते हैं। आपके परिवार में अभी कौन कौन है? परिवार में 3 गो बउआ है, 1 गो बच्ची है बड़ी वाली, फिर बउआ 2 गो छोटा छोटा है, बाकी सब छोटा छोटा है। कमाने वाला कोई नहीं है। कमाने वाला सिर्फ आप ही है? हाँ, बस हम ही है और कोई नहीं कमाने वाला। झोपड़ी कबरा सबसे सब बंद है, पढ़ाई लिखाई सब बंद, कुछ भी नहीं है, ना बाथरूम है, ना नल है, कुछ भी नहीं है। कितना दिक्कत में तो सब जाइए रहा है वहाँ। छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली बोर्ड लेने आता है बस, और बात तो भूलिए जाता है। समस्या को लेकर जो आप किसी अधिकारी से मिली थी, फिर दोबारा मिले अति वाला से मिलते हैं तो वो कहता हम नहीं होगा हमसे। और कोई मदद आपकी करता? कोई नहीं करता मदद।
तो देखा आपने इस बस्ती में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको आज भी विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इन महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कई बार विधवा पेंशन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन आज तक इनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जब हम इन सारी समस्याओं को लेकर वहाँ के वार्ड पार्षद से मिलने गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।